भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने बाराबंकी और सीतापुर दौरे पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की सजा सुनाए जाने के मामले पर केशव प्रसाद मौर्य ने बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जाति सूचक शब्दों पर न्यायालय ने सजा सुनाई है और हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस सदैव पिछड़ों दलितों की विरोधी पार्टी रही है। कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेक बार पीएम मोदी का अपमान करने का काम किया है। कभी पीएम को नीच कहा तो कभी मौत का सौदा कर। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। कहा कभी सी कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए कब्र में भेजने जैसे शब्द का प्रयोग किया और इतनी बार इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, इसकी गिनती गिनाना भी मुश्किल है। और उसके कारण केवल पिछड़ावर ही नहीं, हर समाज का जो गरीब है, वंचित है, कमजोर है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता रहा है। कांग्रेस पार्टी का सदैव से यह आचरण रहा है कि बात पिछड़ों की करना, वोट पिछड़ों का लेना और सत्ता प्राप्त हो जाए उन्हीं का दमन करना। एक गरीब माँ बाप का बेटा पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, श्री राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी और उनके जीजा और उनकी दीदी सबको बर्दाश्त नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को सहन नहीं होता है। उनको यह लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की ऐसी ताकत है, लोकतंत्र की ऐसी ताकत है कि एक बार नहीं लगातार दो बार देश की बागडोर देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम किया और तीसरी बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ यहां पर ये कह सकता हूं कि हम जिस उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, यहां 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस का 2024 में उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, पिछड़े वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इतने बड़े समुदाय को उनकी बातों को उनकी समस्याओं को सुनने वाला ओबीसी आयोग बनाया, उसे संवैधानिक दर्जा दिया और ओबीसी आयोग के जो चेयरमैन होंगे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी देने का काम किया गया। केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे सैनिक स्कूल हो, वहां 27% ओबीसी के लोगों को आरक्षण प्रदान करने का काम किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।